दुनिया के लिए हिम मानव आज भी एक रहस्य से कम नहीं है। इस विशालकाय यति के अस्तित्व और हकीकत को आज भी लोग तरह तरह के दावे करते हैं। इंडियन आर्मी ने भी पहली बार यति की मौजूदगी का दावा किया है। इस बारे में बताने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ फोटोज भी डाले हैं, जिनमें बर्फ पर कुछ निशान नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बर्फ पर नजर आ रहे ये निशान हिम मानव यानी कि यति के हैं। ये निशान 9 अप्रैल को मकालू बेस कैंप के पास देखे गए थे। आर्मी का कहना है कि ये सेनोमैन पहले सिर्फ मकालू बेरून नेशनल पार्क में पाए जाते थे। हालांकि तस्वीरों में सिर्फ एक ही पेड़ दिखाई दे रहा है। पहली बार एक भारतीय पर्वतारोही अभियान दल ने पौराणिक जानवरों के रेशमी पैरों के निशान को देखा है। यति के पैरों के निशान 32 से 15 इंच नापे गए हैं। हालांकि इससे पहले फिल्मों, किताबों, कार्टून और बच्चों की कॉमिक्स में इस विशाल का ही मानव यति का जिक्र देखने और सुनने को मिलता है। अब जब बात यति की हो रही है तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार दुनिया के लिए रेशे बने इस विशाल का ही मानव की हकीकत क्या है और इससे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। तिब्बत और नेपाल के लोग दो तरह के यति के बारे में बताते हैं, जिसमें एक इंसान और बंदर के हाइब्रिड की तरह दिखता है। ये रेशमी यति 2 मीटर लंबा और भूरे बालों वाला होता है और इसका वजन 200 किलो तक का होता है, जबकि दूसरे किस्म का यति सामान्य इंसान से छोटे कद का होता है। इसके बाल लाल होते हैं और ये भूरे रंग का होता है। दोनों ही यतियों में एक बात सामान्य है कि ये दोनों ही इंसानों की तरह खड़े होकर चलते हैं और इंसान को चकमा देने में माहिर होते हैं। ये रात में शिकार करते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसा नहीं है कि हिम मानव का अस्तित्व सिर्फ एशिया में ही है, दुनिया भर में यति को सैकड़ों सालों से लोग देखने का दावा करते आ रहे हैं। इस रहस्यमय प्राणी को दुनिया भर के कई इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में हिम मानव को बड़े पैरों वाला प्राणी यानी बिगफुट कहा जाता है। अगर यति का सिर्फ बर्फ में ठिकाना है तो हो सकता है कि यति पहाड़ों के किसी गुफा में रहता हो या फिर यति बर्फ में छिपने में माहिर हो, तभी तो थोड़ी देर दिखने के बाद वो गायब हो जाता है। कैसा होता था हिम मानव यति? दोस्तों वैज्ञानिक अनेक रिसर्च कर चुके हैं लेकिन अभी तक यति का कोई भी पता नहीं चल सका है। बहुत से लोगों को लगता है कि यति शायद एक कल्पना है और ध्रुवीय भालू को ही यति के तौर पर देखा गया होगा। दोस्तों यति की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि ये एक बंदर की तरह होता है। इसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं, जैसा कि देखने वालों ने दावा किया है। 1832 ईस्वी के अंदर B.H. होजसन ने कहा है कि उसने लंबे और काले बालों वाले प्राणी को भागते हुए देखा था, लेकिन बाद में मिले और सबूत जैसे 1954 को डेली मेल के अंदर एक लेख छपा था जिसके अंदर यति के बालों के होने का दावा किया गया था। उसके अनुसार यति के बाल काले और भूरे रंग के थे। इससे कुछ हद तक सिद्ध होता है कि यति भूरे रंग और काले रंग का होता है। यति आवाजें भी निकालते हैं जैसा कि दूसरे जानवर करते हैं, उसी तरीके से यति आवाजें भी निकालते हैं। 1970 में ब्रिटिश पर्वतारोही जॉन हिल्स ने अन्नपूर्ण पर चढ़ते वक्त कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। बाद में उन्होंने दूरबीन से देखा तो सीवर के पास एक यति नजर आया। यति क्या खाते हैं? यति एक तरह से भालू की प्रजाति हो सकती है। यदि भालू के खाने की बात करें तो ज्यादातर भालू सर्वाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे मांस और पेड़ पौधे दोनों ही खाते हैं। इसी तरीके से संभव है कि यति भी सर्वाहारी हो सकता है जो मांस और पौधे खाता हो। यति काफी ऊंचाई पर रहते हैं। हिमालय पर मिले पैरों के निशान से यह साबित होता है कि यति काफी ऊंचाई पर रहते होंगे। एरिक सिप्टन ने 1950 के अंदर सागर तल से 6000 मीटर पर बिगफुट निशानों को खोजा था। इसके अलावा और भी पैरों के निशान काफी ऊंचाई पर मिले हैं। जब 1951 में ब्रिटिश खोजी एरिक सिप्टन माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए अलग रास्ते की तलाश कर रहे थे तो उन्हें बहुत बड़े पैरों के निशान दिखे। उन्होंने इन निशानों की तस्वीर ले ली और यहीं से शुरू हुई आधुनिक युग में यति के रहस्य की चर्चा। एरिक ने ये तस्वीरें पश्चिम एवरेस्ट के मैन लॉन्ग ग्लेशियर पर खींची थी। पैरों के ये निशान करीब 13 इंच लंबे थे और इसे अब तक हिमालय पर ली गई तस्वीरों में सबसे रोचक तस्वीरों में गिना जाता है। हालांकि अभी इंडियन आर्मी ने जिन पैरों के निशान देखे हैं वे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद ये उस दौर का इतना बड़ा मुद्दा बना कि नेपाल की सरकार ने यति खोजने के लिए 1950 में लाइसेंस जारी कर दिया और होना वही था, एक भी यति नहीं मिला। जिसके बाद कई लोग ये मानने लगे कि ये कोई साधारण काला भालू हो सकता है। इसके बाद यति के देखने के कई मामले सामने आए और कई खोजियों ने पैरों के निशान देखे लेकिन कुछ भी पक्का सबूत नहीं मिल सका। बिगफुट को खोजने की तैयारी। वैसे यति को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि यति, बिगफुट, हिम मानव और इन्हीं खबरों ने पूरे वैज्ञानिक जगत में खलबली मचा कर रखी है और हाल ही में कुछ घटनाओं में उसे देखा गया तो कुछ खोजबीन संस्थान ने ठान लिया कि वे बिगफुट को खोजकर ही दम लेंगे, लेकिन उन्हें अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। कुछ जंगली खोजबीन संस्थान के लोगों ने तो ऐसी खास तकनीक को भी पा लिया है जिससे उन्हें मदद मिल सके। उन्होंने उस इलाके में मशीन और जाल को बिछा कर रखा है जहाँ अंतिम बार हिम मानव को देखा गया था।
उन्हें पूरा विश्वास है कि वे जल्दी यति के रेशों को सुलझा लेंगे। बहुत लोगों का कहना है कि ही मानव गायब भी हो सकता है। अभी तक इंसानों को गायब होने का रहस्य समझ नहीं आया है, किंतु ये रहस्य में जीव एक ही पल में दिखाई देता है तो अगले ही पल गायब हो जाता है, इसलिए इसे पकड़ने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। आजकल ये नेपाल और चीन के पास बर्फीले पर्वतों पर दिखाई देता है और यही कारण है कि वहाँ के लोग इसे ही मानव अर्थात बर्फ का प्राणी कहकर बुलाते हैं। ये सामान्य इंसानों की ही तरह दो पैरों पर ही चलता है और इतना सातिर है कि इंसानों को तुरंत चकमा दे देता है। इसके अलावा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये रात के समय शिकार के लिए निकलता है और दिन में अपनी गुफा में आराम करता है। यति के अस्तित्व को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती है। ऐसे में पूरी दुनिया में दिखाई देने वाले इस जादुई जीव के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि यति इंसान की ही किसी विकास की कड़ी हो, लेकिन तमाम तरह के आधुनिक साधन होने के बावजूद भी ये प्राणी आज भी इंसानों की पहुँच से दूर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं, लेकिन यति के अस्तित्व के बारे में पक्का सबूत किसी के पास नहीं है। कई बार वैज्ञानिकों ने उसे देखने का दावा किया है, लेकिन बर्फीले इलाके में वो कहाँ रहता है और कहाँ गायब हो जाता है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। साल 2008 में मेघालय में यति को देखने का दावा किया गया, इसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। हो सकता है यति का हिमालय के क्षेत्रों में अस्तित्व हो जो इंसान के सामने नहीं आना चाहता। ऐसे में जब तक इंसान हिममानव तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये प्राणी दुनिया के लिए एक रहस्य बना रहेगा। 2013 में ब्रायन साइक्स ने दुनिया भर के सभी यति विश्वासियों और संस्थानों को एक कॉल किया। यति के बाल, दांत आदि के नमूने लिए गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अनुसार उन्हें 57 नमूने मिले, जिनमें से 36 को डीएनए परीक्षण के लिए चुना गया। वैज्ञानिकों ने डीएनए का टेस्टिंग किया और पाया कि अधिकांश नमूने गाय, भेड़ और बकरी के निकले, जबकि कुछ नमूने प्लेस्टोसीन ध्रुवीय भालू के निकले, जो कि 40,000 से 1,20,000 साल पहले रहते थे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह नमूना एक ध्रुवीय भालू और भूरे भालू का था। श्री डेवन एडवर्ड्स और रॉस बोनट ने इन सभी नमूनों का विश्लेषण किया और पाया कि दो नमूने ध्रुवीय भालू की एक उप प्रजाति थी। 2017 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने हिमालय और तिब्बती पठार में मट्टो गुफाओं और अन्य साइटों से इकट्ठे किए गए 9 यति नमूनों का विश्लेषण किया, जिसमें हड्डी, दांत, त्वचा, बाल और फेक नमूने शामिल थे। इनमें से 8 नमूने भालू के निकले, जबकि एक कुत्ते का था। आज तक जितनी भी बार लोगों ने इसके होने का दावा किया है, वो केवल पैरों के निशान और कुछ अवशेषों के आधार पर किया है। यति के ज्यादातर दावे भारत, नेपाल और तिब्बत के बर्फीले क्षेत्रों से आते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ये जानकर कई बार अध्ययन किया है, पर वे कभी भी यति को नहीं पकड़ पाए हैं। और माना जाता है कि ये हिमालय और साइबेरिया, मध्य और पूर्वी एशिया में रहता है, पर वैज्ञानिकों की माने तो वो आज भी इस बात को नकारते हैं कि सच में कोई यति इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है।